दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे सभी लोगों को एक न एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना होता है, मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत तो महज उनके शरीर को खत्म करती है। आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला की। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस सेटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान भरती आई है और भरती रहेगी। अंतरिक्ष की परी कहे जाने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थी। उनके पिता का नाम बनारसीलाल चावला था और माँ का नाम संज्योति है। बचपन में सभी लोग उनको प्यार से मोटो कह के बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही बचपन से वे बहुत ही कल्पना भरी सोच रखती थी। वह हमेशा आकाश और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचते रहती थी। अपने पापा से चांद, तारों और विमानों के बारे में बात किया करती थी। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर स्कूल में की। फिर कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना को 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया। उन्होंने नासा में रहकर बहुत सारी रिसर्च भी की। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में चलकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल कर लिया गया। और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इसी तरह कल्पना के सपनों को अब पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष सेटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर को समाप्त हुआ और इस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचाने जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और 5 साल के बाद पुनः नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना। कल्पना चावला की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस सेटल से ही आरंभ हुई। यह 16 दिन का मिशन था। इस मिशन पर उन्होंने अपने साथियों के साथ लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए, लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोचकर आंखें भर आती हैं। हाथों में फूल लिए हुए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरा विश्व उस नज़ारे को देखकर शोक में डूब गया। धरती पर उतरने में सिर्फ 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक सेटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना के साथ सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। तो दोस्तों, भले ही कल्पना उस दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वो आज पूरे विश्व के लोगों के लिए आदर्श हैं। साथ ही उन्होंने
पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत की प्रतिभा दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।